चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम् नमः। नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणतास्पदम्। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे YouTube चैनल रुद्राक्ष पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस वर्ष की धनतेरस पूजन कुबेर पूजन के मुहूर्त के बारे में। संवत 2077 परमादि नाम संवत्सर है। कार्तिक कृष्ण तेरस शुक्रवार को है। इस बार दिनांक 13/11/2020 को धनतेरस है। इस बार धनतेरस के पूजन प्रदोष वेला सायंकालीन एवं रसभ लग्न में धनतेरस एवं कुबेर पूजन करना श्रेष्ठ समय कहलाता है। यम दीपदान यानी उस समय दीपक जला करके घर के बाहर दुकान के बाहर रखना श्रेष्ठ होता है। इस बार धनतेरस पूजन का मुहूर्त सायंकालीन 5:45 से 7:53 तक प्रदोष वेला एवं रसभ लग्न है। इसमें दीपदान करना एवं कुबेर धन पूजन करना श्रेष्ठ मुहूर्त है। सायंकाल रात्रि लाभ वेला में समय रात की 9:02 से 10:30 तक यानी 10:30 तक इस समय भी आप धन की पूजा कुबेर की पूजन कर सकते हैं और धन की पूजा करके लाभ ले सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे बही खाता लाने का मुहूर्त। बही खाता यानी चोपड़ा लाने का मुहूर्त कार्तिक कृष्ण बारस गुरुवार दिनांक 12/11/2020 को। समय है दिन में अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 1:30 तक, जिसमें लाभ वेला भी है। 1:30 से 3:00 तक गुरुवार को राहु काल वेला रहती है। अतः आप 12:05 से 1:30 के मध्य चोपड़ा ले आवे। दूसरा मुहूर्त है शाम को 4:30 से 7:30 तक शुभ एवं अमृत वेला है। इसमें बही खाता लाने का मुहूर्त है। इसी दिन आप साफ सफाई करने के दृष्टि से गादी उठाने का मुहूर्त भी है। गादी उठाए तो शुभ मुहूर्त में उठाना चाहिए, क्योंकि गादी स्थापन शुभ मुहूर्त में होती है, स्थिर लग्न में होती है। अतः आप गादी उठाने का मुहूर्त भी शुभ मुहूर्त में या लाभ वेला में करना चाहिए। इसलिए कार्तिक कृष्ण बारस गुरुवार के दिन में 12:05 से 1:30 के मध्य अथवा 4:30 से 7:30 के मध्य गादी उठा सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है कार्तिक कृष्ण तेरस शुक्रवार को दिनांक 13/11/2020 को धनतेरस है। उस दिन भी आप सुबह 8:30 से 10:30 तक लाभ और अमृत वेला में बही खाता ला सकते हैं, चोपड़े ला सकते हैं एवं गादी उठा सकते हैं। फिर दिन में 12:05 से 12:39 तक अभिजीत वेला में भी आप चोपड़े ला सकते हैं, गादी उठा सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। दीपावली पूजन का मुहूर्त आगे के वीडियो में बताएंगे। मुहूर्त में किसी प्रकार की कोई शंका समाधान है तो कमेंट करें। ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से रिलेटेड और वैदिक कर्मकांड से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई आवश्यकता है या सुझाव की आवश्यकता है तो आप नीचे लिखे नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं, ईमेल पे मेल करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।